आपके साथ मैं मुस्कान नागदा, आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। सुनते ही आज की प्रमुख खबरें। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में ई स्टाम्पिंग शुरू होने के बाद छपे हुए स्टाम्प की यह मुद्रा बनी कागज, दुरुपयोग ना हो इसलिए कैमरे की निगरानी में नष्ट करने की कार्यवाही अपर कलेक्टर पवन जैन की निगरानी में मंगलवार को शुरू की गई। स्टाम्प को नष्ट करने के बाद में लुगदी बनाकर रिसाइकिल कर फिर से इसे कागज बनाया जाएगा। अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए कागज पर छपे जो स्टाम्प पेपर मुद्रा की तरह चलन में थे, अब वे मामूली कागज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2015 में ई स्टाम्पिंग व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसे राज्य सरकार 7 साल बाद ऐसे 6,000 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर को मंगलवार को नष्ट किए जा रहे हैं। इनके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं कि कोई इनको जोड़कर दुरुपयोग ना कर सके। स्टाम्प पेपर के विनिष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में की जा रही है। इंदौर में लगभग 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर नष्ट किए जाएंगे। इसके लिए बकायदा एक समिति बनाई गई है। इसमें प्रशासन, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग और जिला कोषालय के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ यह स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है। इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा आदि कंपनियों को ठेका दिया गया है। ठेकेदार मशीन लगाकर प्रशासनिक समिति की निगरानी में इन स्टाम्प पेपर को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद वह इन कागज के टुकड़ों को अपने साथ ले जाएंगे। बताया जाता है कि स्टाम्प पेपर के इन छोटे छोटे कतरों की लुगदी बनाकर इन्हें रिसाइकिल कर फिर से कागज बनाया जाएगा। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इंदौर के जिला कोषालय में रखे स्टाम्प पेपरों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी जो हमारे कोषालय हैं, ट्रेजरीज हैं, उसमें रखे हुए थे, तो शासन स्तर से ही एक बैंडर फाइनल हुआ है। हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग करके पहले बता दिया था कि 500, 1000, 2000, 5000, 15000 इस तरह के स्टैम्प पेपर थे जो कि 2015 से विचलन में नहीं थे, उनके विनिश करने की कार्रवाई चल रही है। और इसकी विनिश करने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब के निर्देश आदेश अनुसार एक कमेटी बनाई गई है, जिसको मैं हूँ, मेरे साथ में मौर्य साहब हैं जो कि हमारे सीनियर रजिस्ट्रार हैं, और साथ में कोषालय अधिकारी हैं बघेल साहब, ये पूरी टीम है। और CCTV कैमरा लगे हुए हैं, पूरी तरह से कवरेज है। और अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो वेंडर भोपाल से फिक्स हुआ है और हमारे अधिकारी कर्मचारी उनकी नंबरिंग नोट कर रहे हैं, साथ में उनके विनिष्टीकरण की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से स्टैम्प पेपर विनिष्ट हो जाए, और फिर इसके बाद ये संबंधित जो वेंडर है वो ले जा करके उसको गला करके उसकी लुगदी बनाने का काम करेंगे। सर, ये बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, और ये अगर बात करें तो एक तरीके से मनी ही कहा जा सकता है इसको, तो कितनी सावधानी बरती है? सावधानियों के रूप में मैंने आपको कहा कि पूरी टीम, एक तो हमने पूरे जो हमारा परिसर है जहाँ से स्ट्रांग रूम से स्टैम्प निकल रहे हैं, वो जहाँ उनके विनिष्टीकरण की कार्रवाई हो रही है उस जगह को पूरा CCTV कैमरे से कवर किया है, और पूरा 24/7 इसका बैकअप हमारे पास रहेगा। 7 से 8 दिन में हम सारे स्टैम्प जो हमारे पास है उनको विनिश कर देंगे, और उसके बाद वेंडर जो फाइनल हुआ है वो यहाँ से ले जाकर एक पर्टिकुलर कंपनी है, वहाँ जाकर जिसको ऑर्डर मिला है वो उसको गला करके उसकी लुगदी बनाने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी कुछ इसमें क्योंकि अब सारे पेपर विनिष्टी हो जाएंगे, तो विनिष्टीकरण के बाद तो मुझे लगता है सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, बट उसके बाद भी वेंडर की जवाबदारी रहेगी कि वो पेपर ले जा करके उसकी फाइनल डिस्पोजल करें उसका। सर, लगभग कितने स्टाम्प होंगे और कितने के हैं? मैडम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1095 करोड़, लगभग राउंड फिगर में बोले तो 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प हैं जिनको हम लोग विनिश कर रहे हैं।